फरीदाबाद में श्री सिद्ध नारायण धाम में आशीर्वाद लेने पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। फरीदाबाद में पहुंचकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने श्री सिद्ध नारायण धाम के संस्थापक मधुसूदन आचार्य को शॉल व गंगा जल देकर लिया आशीर्वाद। वहीं आचार्य ने भी मुख्यमंत्री को शॉल माला पहनाकर भगवान कृष्ण की मूर्ति देकर उत्तराखंड की उन्नति व चहुमुखी विकास का आशीर्वाद प्रदान किया। आचार्य मधुसूदन ने मुख्यमंत्री से उत्तराखंड व भारत के विकास व सभी देशवासियों के लिए मंगल कामना हेतु यज्ञ के लिए संकल्प दिलवाकर हवन यज्ञ का आयोजन किया। इस मौके पर महाराज जी से आशीर्वाद लेकर मुख्यमंत्री ने आचार्य को उत्तराखंड आने का निमंत्रण भी दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह पहले से विधायक रहते हुए भी श्री सिद्ध नारायण धाम में आकर आचार्य जी से आशीर्वाद लेते रहे हैं, पर मुख्यमंत्री बनने के बाद आज यहाँ आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। उन्होंने कहा कि वह हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को साथ लेकर यहाँ दोबारा आएंगे। इस मौके पर पार्षद कैलाश बैसला, आश्रम के ट्रस्ट के चेयरमैन नरेश चौहान, राधेश्याम शर्मा, भरत कौशिक, सिंह राज नंबरदार, मुकेश सिंह, सतीश शर्मा, विजय ने भी मुख्यमंत्री का माला पहनाकर स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कैलाश बैसला को दुर्गा माता की मूर्ति देकर उनका अभिनंदन भी किया।